जिंदगी हम तेरे दागों से रहे शर्मिंदा, और तू है कि सदा आईना खाने मांगे, कोई खुदा किसी को सौंप के जाए लंदन, और लंदन कोई जाने के बहाने मांगे। वाह गोरी का साजन, साजन की गोरी, उरूज पर है मुनाफा खोरी, बरसों से है यही वतीरा, रमजान से पहले कर लेते हैं जखीरा। हुकूमत क्यों नहीं एक्शन ले रही, अब तशरीफ ला रहे हैं वाजे चौधरी। बरकत महीने में आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अरे वाह, क्या है जो आपने जेब तन किया हुआ गर्दन के? माशाल्लाह, ये बेब बांधी है सर इन्होंने, बेब। अच्छा, अब वो शरबत पीते हैं तो वो गिरता है ना। नहीं मगर ये बड़ा जबरदस्त लग रहा है इनका जो जोड़ा है, और आप भी आज बड़ी कोऑर्डिनेशन में हैं, मतलब आप दोनों ने कोऑर्डिनेशन की हुई है। अभी नंगे पिंडे बैठे हैं माशाल्लाह, ये दोनों साहिबान ने भी आज कलर कोऑर्डिनेशन की हुई है बड़ी अच्छी जी, माशाल्लाह। कैसर भैया साहब ने, आपको बीच में क्या तकलीफ है? इन्हें दी ना स्त्री नहीं है किसी पाए, फिर उल्टी करके पाई इन्होंने। कैसर भैया जी, मैं शादी से पहले और शादी के बाद की जिंदगी पे जरा रोशनी डालिए। बड़े से आप पे ने सर, मैं वही सुनना चाहता हूँ। यकीन करो, शादी तो पहले ना मसलन जवान लड़का मसलन किसी ब्याह से जाके शादी से जाके दूल्हे नु कह रहा हुंदा, मेरे लिए दुआ करना, मेरे भी शादी है जे। तो जो ओदी शादी हो जाती फिर किसी ब्याह से जाके तो दूल्हे नु कह रहा हुंदा, ओ ये भी टाइम ही नस जा। शादी तो पहला यकीन करो, मैं इंज लगता है मैं किसी परस्तान दे विच फिरा रहा हूं, शादी तो बाद इंज लगता है किसी कब्रस्तान च फिर रहा हूं। से पहले जो लड़का होता है ना जी, लड़की का नाम खून से लिखता है। अल्लाह, और शादी तो बाद उसे कुड़ी नु कहने मैं तेरा खून पी जाऊं। वैसे भाई यकीन करो, शादी तो बोले बंदा इंज लग रहा होता कि जिस तरह टच मोबाइल है, शू शू, तो शादी तो बाद 33-10 तो भी बुरा हाल हो जाता है। सर शादी तो पहला मेरी बेगम ना मेरी तस्वीर सहेलियां वहांदी, मेरा सिर उदो भी इंज दा ही। अच्छा, वो जेड़ा इंग्लिश हीरो विन डीजल जी, जी कहंदी ए देखो विन डीजल दे मिलदी ना शक्ल। शादी तो बाद के और ना सहेलियां नु कहंदी हुंदी ए टकले नु अज घर आ लंदे सारे कपड़े धो। नीचे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, और साथ ही साथ पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं फॉर लाइफ स्टॉक, जनाब राना शहबाज अहमद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई हैं, मॉडल एक्टर मोहतरमा यशमा गिल। माशाल्लाह जी, आज दोनों मेहमान ही बड़े खास हैं। बिल्कुल, और आज मैं एक स्पेशल शेर लाया हूं जी आपके लिए। सोचता हूं कि वो सच बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सोचता हूं कि वो सच बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जिनके सब झूठ कयामत का असर रखते हैं, और भाप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया। अच्छा। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। मर्जी वजारतां बदलो, आटा पेट्रोल ते दवाई दा की करना जे, जिन्नियां मर्जी वजारतां बदलो आटा पेट्रोल ते दवाई दा की करना जे, बाकी दियां गल्लां सारियां छड्डो ए महंगाई दा की करना जे। शाबाश लड़के, शाबाश। इतनी प्यारी लड़की बैठी मेरे सामने, लेकिन शेर मेरा शहबाज भाई के लिए। क्या बात, क्योंकि माशाल्लाह फैसलाबाद से ये पढ़े हैं तो इनके लिए। अच्छा अच्छा, वो भी मर मर के जी रहा होगा, हाय हाय, मेरा ये वहम क्यों नहीं जाता। अच्छा अच्छा, अवाम महंगाई से बिलक रही है, खान साहब को तर्स क्यों नहीं आता। हाय, कैसे किया
राणा शहबाज साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी, सब खैरियत से हैं। बिल्कुल ठीक सर, शो देखा हुआ है आपने? जी बिल्कुल देखा हुआ है। और आपको अंदाजा है? जी जी, सानू इन्हां दा अंदाजा नहीं सी, नहीं तो सोफा वड्डा ले आने जी। अभी उनको बैठे हुए सिर्फ 5 सेकंड हुए होंगे और आप शुरू हो गए। अच्छा वासी भाई, यकीन करो मैं बैठा ना कुर्सी ते, इजी है ये सोफे ते बैठे ने ना, ते सोफा करता हूं। बात सुनिए आराम से। अच्छा जी सर, राणा साहब अंदाजा है ना, वरना हो गया होगा। बिल्कुल जी हो गया। ठीक है। यशमा क्या हाल है आपके? ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने बड़ा वजन रिड्यूस कर लिया। अच्छा, थैंक यू सो मच, यू जस्ट मेड माय डे। हैं? Yes, अच्छा, इतनी आसानी से दिन बन गया आपका? मतलब खुशी हुई सुनके। ये कैसे किया पहले ये बताइए? मेहनत की बहुत। क्या मेहनत की आपने? जिम में बहुत मेहनत की, खाना थोड़ा कम खाया। खाना कम खाया और जिम में मेहनत की। दसो राणा साहब नु दसो, क्या आपने किसी ने कहा ये? नहीं, किसी ने कहा नहीं, बस खुद मुझे ऐसा लगता था कि आई नीड। आपको खुद ऐसा क्यों लगा? Everybody wants to, you know, get better with time. तो अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि जितना ख्याल रखूंगी उतना अच्छा है। आप एग्री कर रहे हैं राणा साहब इनकी बातों से? इनकी बातों से मैं एग्री कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप मुझे कहें तो मैं इनको भी एक शेर सुना ना। अरे प्लीज, बैठा है चौबारे पर ठंडी आहें बरता है। बैठा है चौबारे पर ठंडी आहें बरता है, इनसे तो बेहतर है चंगा ही कुछ करता है, कुछ ना कुछ तो करता है। दरअसल रस्ते ही तुहानू सही याद सी, इत्थे आ गए। चंगा ही तो करता है, कुछ ना कुछ तो करता है जी, इनसे तो चंगा। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2006 में। अच्छा, 8-9 ऑपरेशन हुए थे। ठीक है, उसकी वजह से मेरा वजन बढ़ गया। ठीक है, लिख होते हैं जो ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप इधर हैं और ये लूंबड़ होते हैं, उनका वजन एक जैसा रहता है, बाकी सब। बंदर, लूंबड़ और चीता, जरा दुरुस्त कर लें किरला। आपके चाहे शहर से हैं वो, ठीक है, और आपका ताल्लुक एक फैसलाबाद का उनसे है, कैसर पिया साहब, लेकिन आप इस चीज को मुलूजे खाते रखें कि इस वक्त उनके साथ यशमा गिल बैठी हुई है, तो उनका भी एक इमेज उनके ऊपर भी पड़ रहा है। यशमा तो प्यारी है, तो आप उनके सामने राणा साहब के साथ इस तरह के मजाक किए जा रहे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा राणा साहब? ऐसे लगता है कि लो यशमा ने गीजर लगाया खुदा दी। यार कैसे राणा साहब तो एक दिन अपनी छत पे चढ़े, पूरे मोहल्ले ने रौला पाता और राणा ने डिश लगा ली। अगर राणा साहब, ये क्या हो रहा है आपके साथ? सर बस ये हमारे भाई हैं, ये कोई सेहतमंद आदमी देखते थे तो खुशी से इनसे रहा नहीं जाता। मगर बिसाइड्स द सेहत, देखें एक और चीज जो कि एक बड़ी काबिले दीद चीज है, मस्ट एडमायर दैट, कि एक बड़ी एक सुर्खी है माशाल्लाह जो कि आपके चेहरे पे एक है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेजेंटनेस। क्यों यशमा, आप एग्री करेंगी इस बात से? या देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। एग्जैक्टली, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेजेंटनेस। एक लाल लाल आपके गाल माशाल्लाह, और बाल भी आपके जबरदस्त अपने ही हैं, और बड़े जबरदस्त, यू नो, वेरी गुड सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड। आप एग्री करेंगे इससे? हाँ जी माशाल्लाह, भाभी का मेकअप करके आए ना। चलो यार, ये मैं किन लोगों में फंस गया हूं यार। आप थोड़े खातून से पूछें, आप तीस को बताएं कि प्रेजेंट फेस क्या होता है कैसर पिया साहब? मतलब इतना उनके चेहरे पे खुशी है, उनके अंदर से वो खुश होंगे ना, तो उनके चेहरे पे इतनी पॉजिटिविटी आ रही है, अच्छे इंसान होंगे तो इतना प्लेजेंट चेहरा होगा। ऐसा चेहरा हो तो कैसा इंसान होता है? ये वो जो बिजली के बोर्ड नहीं लिखे तो खतरा 440 ऐसे। लेकिन राणा साहब प्यारे आ रहे। अच्छा, ये जो सड़क पे जाते उन्होंने मजा खलो जाती है, साढ़े वे जा रहे हैं। राणा साहब ने तो चिड़ियाघर तो हाथी ने फोन किया, भाई मैं 2 दिन की छुट्टी पर जाना, मेरी जगह पर आए। आपने
इससे पहले पॉलिटिशियन से इंटरेक्ट किया हुआ है? एज सच नहीं, एज सच नहीं. तो आपको कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आपका एमपीए है साथ, सिटिंग एमपीए? कैसा हमारी बैक स्टेज बात हुई, ही वाज वेरी नाइस, वेरी वेलकमिंग. अच्छा, क्या बात है कि उन्होंने बैक स्टेज इंट्रोडक्शन कर रहे थे, क्या उन्होंने क्या कहा? मेरे काम की तारीफ कर रहे थे. मैं उनसे उनके काम की, मैं भी हीर के इलाके का हूं. हां, तो मैंने कहा बड़े खूबसूरत इलाके से, इसका मतलब. उनके काम की तारीफ की जश्मा ने कहा. अच्छा, आपके काम की तारीफ भी की उन्होंने? हां जी. अच्छा, देखा हुआ है? देखा हुआ है जी जी. कहां देखा? ये टीवी पर प्रोग्राम इनका आता था ना, तो जिसमें इन्होंने खुदकुशी की थी. अच्छा अच्छा जी जी. यशमा ने तुम पूछा कि सिक्स पैक कितों बनाए तुम? मगर ये बताएं कि आपको याद है कि यशमा ने उस ड्रामे में खुदकुशी की थी? जी जी. तो आपको क्या कोई दुख है उस बात का कि उन्होंने क्यों की थी? नहीं जी नहीं, मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा. अच्छा, कौन सा वाला, खुदकुशी वाला या एक्टिंग वाला? पूरा एक्टिंग का काम इनका. अच्छा, तो आपने उसके बारे में इनसे डिस्कस किया? जी जी. और क्या बात की? बस ये हमारी बहन जो कराची से आई है. कौन सी वाली? ये आपकी बहन कराची से आई है, तो ये इधर से अच्छे ख्याल लेकर जाएं, क्योंकि बुरे ख्वाब भी डराते हैं. लेकिन झंग के विच बड़े मशहूर ने, यकीन करो. उत्थे कोई वजन करने वाली मशीन नहीं रखता. क्यों? ये वजन करने वाली मशीन पे चढ़े तो पर्ची निकलो. कल्ले कल्ले चढ़ो भाई, खुदा का नाम. वहां पे मशीन नहीं होती, वहां पर कंडा सिस्टम होता है. ये ट्रैक्टर ही चढ़ते रहते. जमाने के यारों चलन है निराले, कोई भूख कसोले कोई ज्यादा खाले, कोई पार्टी अपनी पर दे डाले, को कीचड़ कोई दूसरों पे उछाले, किसे मौका मिलता है वो लूट खा ले, मेरे मुल्क को कौन डीजे संभाले. हमारे साथ क्या है आपके साथ? वो जो लड़के नुमाइंदगी उनकी ये तो हल्के जिसे जाते ना वोट मंगने, जुगतां करते हैं, औरतें कहीं कूलर जी कि गल्ला कर रहा.